जब से सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ है तब से हर कोई उन्हें याद कर इमोशनल पोस्ट शेयर कर रहा है। लेकिन सुशांत के जाने से अगर कोई सबसे ज्यादा टूटा है तो वो है उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे। अंकिता ने कोई भी पोस्ट या कोई भी मैसेज अब तक सुशांत के लिए नहीं शेयर किया। वो अभी तक सुशांत को खो देने के गम में है। वो बुरी तरह से टूट चुकी हैं और खुद को संभाल भी नहीं पा रही हैं। भले ही सुशांत और अंकिता की राहें अलग हो गई हो लेकिन आज भी अंकिता के दिल में सुशांत जिंदा है। वहीं सुशांत की मौत से ठीक 2 दिन पहले अंकिता ने अपने बॉयफ्रेंड विकी जैन से सगाई की थी और जल्द शादी भी करने वाले थे। लेकिन अब सुशांत के इस तरह से जाने के बाद सवाल ये भी उठता है कि क्या अंकिता अपने मंगेतर से शादी करेंगी या कर पाएंगी। जिस तरह से अंकिता के हालात हैं उन्हें देखकर तो यही लगता है कि आने वाले कुछ टाइम तक अंकिता शादी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि भले ही सुशांत से वो अलग हो गई हो लेकिन सुशांत उनका पहला प्यार था और आज भी वो उन्हें याद करती हैं, आज भी वो उनकी तारीफें करते नहीं थकती। आपको बता दें कि सुशांत और अंकिता के बेस्ट फ्रेंड संदीप सिंह ने भी हाल ही में एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया था जो काफी रुला देने वाला था। संदीप ने उस पोस्ट में साफ लिखा था कि अंकिता और सुशांत एक दूसरे के लिए ही बने थे। उन्होंने कहा कि भले ही तुम दोनों अलग हो गए हो लेकिन आज भी अंकिता सुशांत की खुशी के लिए दुआएं करती है, क्योंकि वो आज भी सुशांत से प्यार करती है। यहाँ तक कि अंकिता ने अपने घर के नेम प्लेट से अभी तक सुशांत का नाम नहीं हटाया है। इतना ही नहीं, संदीप ने कहा कि अंकिता अगर तुम सुशांत के साथ होती तो तुम उसे बचा लेती, तुम ही थी जो उसे बचा सकती थी। काश तुम दोनों की शादी होती जैसा हमने सोचा था। तुम सुशांत की सब कुछ थी, काश तुम उसके पास होती। संदीप का ये रुला देने वाला और दिल को छू देने वाला पोस्ट को पढ़ने के बाद ये साफ है कि अंकिता आज भी सुशांत को प्यार करती हैं और वो उन्हें कभी नहीं भुला पाएंगी। ऐसे में अंकिता अपने मंगेतर से शादी कर पाएंगी या नहीं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है, क्या अंकिता शादी कर पाएंगी या जिंदगी भर अकेले सुशांत की यादों के साथ जिंदगी बिताएंगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीबीट्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें।